आप सब जो हमें मिले यूट्यूब के जरिए ना फ्रेंड्स, सच में हमारे अम्मी पापा ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, हमारे अम्मी पापा को जो अच्छा getting hard, if it's getting too hard for you to keep running, baby, take a minute, slow down, yeah, you love it. Keep running. Good morning, friend. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं उठ गई. मैंने उनको भी उठा दिया और हम दोनों ने ब्रश कर लिया, मुंह धो लिया और अभी चलते हैं किचन में, फटाफट से कुछ बनाते हैं. तो अनम, आज क्या लेके जाओगी स्कूल? फिर बोल हलवा लेके जाएगी. अनम ने मुझको बोला था हलवा ले जाएगी, तो हलवा बनाते हैं और दूध देते हैं, तो अनम पी लेगी और अनम के लंच बॉक्स में हलवा रख देंगे और वही सबको हो जाएगा नाश्ते के लिए, और मैं चाय भी बना लूंगी साथ में. चलिए जल्दी से चलते हैं किचन में और फिर मिलते हैं आप लोगों को. फिर हमको रेडी भी करना है स्कूल के लिए, है ना? अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. सो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ हलवा. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाला कढ़ाई में और उसमें इलायची को डाल दिया है पीस कर, और हलवा मेरा बनके रेडी हो गया है. तो झटपट से मैंने बना लिया और फुल रेसिपी नहीं दिखाई है. तो हलवा यहाँ पे बनके रेडी हो गया है और यहाँ पे देख सकते हैं साथ में चाय भी हमारी बन रही है, बढ़िया से खोल रही है चाय हमारी. तो हलवा बन गया है और चाय को मैं थोड़ा सा और खौला दूंगी, उसके बाद फिर चलती हूँ, फिर अनम को रेडी करूँगी. सो ये आज का मेरा ये फुल डे रूटीन है. आज ये पूरे दिन का मैंने ब्लॉग बनाया है. सो आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा अच्छे से. सो मैंने अनम की ये बॉटल भर के रख दी है और ये अनम का बॉक्स रखा, और ये हलवा ठंडा हो रहा है, ये ठंडा हो जाए फिर मैं इसमें रख दूंगी. और सो चाय भी बन गई, हलवा बन गया और अनम के लिए मैं लेकर आ गई हूँ. बॉटल वगैरह भी भर दी और अभी सबा साथ हो गए हैं और अभी अनम को रेडी करते हैं, और बस 15 मिनट में अनम को निकलना है. 7:30 बजे अनम स्कूल जाती है और उसके बाद फिर मैं अपना काम शुरू करूंगी. सो आज बहुत दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ. मैंने सोचा चलिए आज का मैं ये ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट कर देती हूँ. आज फुल डे का मैं ब्लॉग बनाऊंगी, पूरे दिन का मैं क्या क्या करूँगी, आज पूरे दिन जो भी करती हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना. जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. चलो फिर मिलते हैं आगे. और देखो अनम ये लेगी, इसलिए अनम को भी साथ पहले से ही उठाना पड़ता है. बाद में बच्चे हैं छोटे, तो इस तरह से उनको आलस आ जाता है, तो ये अनम सबसे लेटी हुई है. सो फ्रेंड, देखो ये अनम को बना के ले जाने थे स्कूल, तो अनम ने ये लॉइन बनाया है अपने पापा के साथ मिलके, और एक अनम ले जा रही है स्कूल. हेलो हेलो फ्रेंड. Shh.
तो फ्रेंड देखा आप लोगों ने, अनम स्कूल जा चुकी है और ये स्कूल में अनम पहुंच गई है। जो सबसे किनारे पे दिख रही है ना वो अनम है। तो अभी जैसे कि 15 अगस्त आने वाला है तो स्कूल में कुछ परफॉर्मेंस वगैरह हो रहे हैं, तो वही बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो वो अनम जो सबसे किनारे पे दिख रही है वो अनम है। तो ये स्कूल के बाहर से अनम के पापा ने ये छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी। सो फ्रेंड अब अनम स्कूल जा चुकी है और अब मैं लेकर आई हूँ मेरी चाय। तो ये चाय है और ये दो बिस्किट हैं, तो बस यही मैं खा पी लूँगी चाय। और हलवा मैंने अभी नहीं लिया है क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है, सुबह से मुझसे कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो बस चाय मैंने पी ली है और यहाँ पे मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कद्दू रखा था तो मैं कद्दू की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो मैं जल्दी से इसको छील कर काट कर रेडी कर लेती हूँ और फिर चलती हूँ किचन में, जल्दी से खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कद्दू मैंने रेडी कर लिया है। तुरंत मैंने ये चिली फ्लेक्स ख़त्म हो रहा था घर में तो मैंने वो बना लिया। और ये सूखी हुई अमचूर है जिसको मैंने पानी में भिगो दिया है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से कद्दू की सब्जी छौंक देती हूँ। और ये मैं बहुत ही सिंपल सी कम मसाले वाली खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी बना रही हूँ, मुझे यही वाला पसंद है तो मैं यही बना रही हूँ, जो कि मुझे पसंद है और मेरी अनम को भी काफ़ी पसंद है। तो यही खट्टा मीठा वाला मैं कद्दू बना लेती हूँ झटपट से। If it's getting too hard for you to keep running, baby, take a minute, slow down, slow down. सो फ्रेंड देखा आप लोगों ने, कद्दू की सब्जी मैंने छौंक दी है, आटा भी गूंद लिया है और बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। तो एक सब्जी पक रही है, जब तक मैंने ये अनार रखा था तो मैंने ये अब मैं अनार लेकर आई हूँ। तो मैं ये खा लेती हूँ क्योंकि मैंने सुबह बस चाय पी थी, तो अब मैं ये खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो मैं आ गई हूँ किचन में फिर से और अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो आटा मैं पहले ही लगा के रख गई थी, तो अब आके मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। और सब्जी हमारी बन ही रही है या बन चुकी है, तो बस फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। Baby, take a minute, slow down, slow down. फ्रेंड मेरा सारा काम हो गया, यानी खाना वगैरह बन गया है, खाना बन गया और बर्तन वगैरह धुल गए और किचन का जो स्लेब है वो भी मैंने सारा साफ कर दिया है। और अभी मैं आई हूँ कमरे में, तो मैं ये बेड सही कर देती हूँ, बेडशीट को सही कर देती हूँ और फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा लूँगी। सो बस फ्रेंड नहाने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। Thank you.
सो फ्रेंड, मैंने नहा लिया है, नहा के मैंने अपनी चोटी भी कर ली है और अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो अभी मैं थोड़ा हलवा खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पारा पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। जब तक मैं पढ़ के उठूँगी, जब तक अनम आ जाएगी, तो चलिए मैं थोड़ा सा हलवा लेके आती हूँ अपने लिए और मैं खा लूँ थोड़ा सा हलवा, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी भूख लगी। खाना मैं इसलिए नहीं खा रही क्योंकि अनम आ जाएगी, फिर मैं जब भी खा लूँगी खाना। तो हलवे को गर्म करके लेकर आते हैं। हलवा खा लिया है और वज़ू भी बना लिए हैं और ये मेरा, मैं रोज़ एक पारा पढ़ती हूँ तो आज मेरा 23वां पारा चल रहा है। तो बस बहुत जल्दी से मेरी एक कुरान मुकम्मल होने वाली है, तो चलो फिर मैं पढ़ लेती हूँ। ये कुरान मुकम्मल हो जाएगी फिर मैं दूसरी स्टार्ट कर दूँगी। तो चलो मैं पढ़ लेती हूँ। और बादल भी हो रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए, कपड़े डले हुए हैं छत पे और अनम भी आने वाली है, जल्दी से मैं पढ़ लेती हूँ। अनम आ गई स्कूल से। अनम कैसा लगा स्कूल में? अच्छा। अच्छा देखो स्कूल से आने के बाद बच्चों की शक्ल देखो, गर्मी से प्याली। सो देखो फ्रेंड, अनम नहा के रेडी हो गई है और मैं यहाँ पे खाना भी लेकर आई हूँ। तो ये गर्मी की सब्जी और ये दो रोटी लेकर आई हूँ, एक मैं खाऊंगी एक अनम। एक रोटी ही खाऊंगी मैं, क्योंकि साथ में ये खिचड़ा भी है जो मैंने कल शाम को बनाया था, कल रात को मैंने बनाया था। तो ये सारी दाल वाला खिचड़ा है जो मुझे बहुत पसंद है, तो ये खिचड़ा भी है और ये नींबू के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा आज का लंच और ये अनम बैठी है, तो जल्दी से हम लोग खाना खा लेते हैं, भूख लगी है। और अभी देखो टाइम हो रहा है 1:05, चलो खाते हैं। सो फ्रेंड, खाना मैंने खा लिया है, अनम ने भी खा लिया है और बर्तन भी मैं धोकर रख आई हूँ। अनम का जो लंच बॉक्स था वो भी मैंने धोकर रख दिया है और अभी मैं खाना खा के यहीं कमरे में 10-15 मिनट ऐसे ही टहल लूँगी, कमरे में ही ऐसे चक्कर लगा लूँगी और उसके बाद फिर मैं और अनम लेट कर आराम करेंगे थोड़ी देर। फिर अनम का जो भी स्कूल का होमवर्क वगैरह होगा वो करवा देंगे और आराम करेंगे। सो फ्रेंड, और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से शाम को, तो अब शाम को मिलते हैं। अभी मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ, उसके बाद लेट जाऊँगी। तो बस अनम अभी ऊपर चली गई है, दादा हैं ऊपर तो दादा के पास। तो चलो फ्रेंड, फिर शाम को मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए। तो यहाँ पे ये गरी का गोला लेकर आए हैं पानी वाला, जो कि इन दिनों का आता ही है। बस इसमें अभी पानी है तो इसमें पानी निकालते हैं। आज देखते हैं इसमें कितना पानी निकलता है और इस गरी का पानी किस किस को अच्छा लगता है, इस गोले का पानी।
ही। ये देख सकते हैं, एक कटोरी पानी निकला है इसमें और ये गोला, ये क्या निकल गया। तो फ्रेंड फिर शाम हो गई थी और शाम का खाना मैंने बनाया। खाने में मैंने दाल चावल बनाए थे और उसके बाद खाना बनाकर सवा छः या 6:30 के बीच हम लोग ये घर से बाहर आए थे। तो हमको थोड़ा सा पार्क में लेके और तो हम लोग तीनों लोग ऐसे ही घूमने निकल पड़े इसी तरह से शाम को, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं और बारिश का मौसम भी है तो अच्छा लगता है इस तरह से शाम को पार्क वगैरह में जाओ या घूमने जाओ। इस तरह से हम लोग आ गए थे। तो ये अनम है, अनम के पापा, तो घर के पास में ही ये पार्क था तो हम लोग वहीं पे आ गए थे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देर बैठे तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। तो खाना मैं बना कर ही रखाई थी, जैसे कि मैं वैसे भी जल्दी बना लेती हूँ, और बनाने के बाद आए थे तो फिर घर जाके बनाने में आलस भी नहीं आया, क्योंकि जब कहीं जाओ बाहर या कहीं घूमने तो फिर खाना बना जाकर खाना बनाने में बहुत ही आलस आता है। तो फिर मैं बना के रखाई थी और पार्क से हो जाने के बाद फिर हम लोग गए घर के पास में या रिलायंस फ्रेश, तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पे कुछ सामान लेना था ऐसे ही छोटा मोटा सा, तो यहाँ पे कुछ सामान चाहिए था वो ले लेते हैं। और क्या क्या लिया वो घर जाके मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। If it's getting too hard for you to keep running, baby, take a minute, slow down, you'll love it. अभी बज रहे हैं 8, तो अभी रात के 8 बज चुके हैं और खाना बना के मैं चली गई थी थोड़ा ऐसे ही बाहर, और खाना वगैरह बना के मैं गई थी। तो मैं खाने में बनाए थे मैंने दाल और चावल, तो दाल चावल बनाकर फिर हम लोग चले गए थे 6:15 बजे यहाँ से, और अभी बज रहे हैं 8, तो जस्ट अभी हम लोग आ रहे हैं ऐसे ही बाहर घूम कर। और रिलायंस फ्रेश गए थे तो वहाँ से कुछ सामान ले लिया। चलिए फिर दिखा देते हैं आप लोगों को। दिखाओ नम क्या लेके आए आराम से, जल्दी दाल आ रहा है। तो एक मैंने ये मूंग दाल का पैकेट लिया है, ये हरी वाली मूंग, और ये चीज लिया है, और शेजवान चटनी, और ये टाइगर बिस्किट लिया है हमने, रुको, और ये पिज्जा बेस, और ये मूंग दाल पापड़, और एक ये लिया है टमाटो केचप। तो यही चीजें ली हैं मैंने। और अभी सो फ्रेंड अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, और ये है चावल, और ये है मसूर की दाल, और यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं अनम के पापा, और अनम सादा चावल खा रही है, देखो अनम, और साथ में है ये आम का अचार जो इसी साल नया रखा था। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, जो बहुत ही यम्मी यम्मी सा अचार है। और साथ में है ये तली हुई मिर्ची, जो कि दाल के साथ है, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, जो खाने के स्वाद को बढ़ा देती है। तो ये तली मिर्ची, सो फ्रेंड खाना वगैरह भी खा लिया है हम लोगों ने, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आप लोगों को, दाल चावल मैंने बनाए हैं,
और खाना खा के फ्री हो गए हैं और साथ में टीवी चल रही है जिसमें चल रहा है सब आपका जहां। तो हम लोग ये कुछ ब्लॉग्स वगैरह देख लेते हैं, तो वही देख रही थी और खाना के बर्तन वगैरह भी मैं धोकर रख आई हूँ। और मैंने सोचा चलो आप ये ब्लॉग सुबह से मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया था और अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका है। सो फ्रेंड ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से ब्लॉग कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।